नमस्कार दोस्तों, मैं एटलांटा से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूँ। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना है, और उसके पहले मैं आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कैंसर फीमेल में कौन से ऑर्गन का होता है? आफ्टर स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, तो स्किन कैंसर के बाद कौन सा होता है? और दूसरा उसी में है दूसरा क्वेश्चन कि पूरी दुनिया में फीमेल में सबसे ज़्यादा डेथ किस कैंसर के वजह से होते हैं, बराबर? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एंजेलिना जॉली, क्रिस्टिना एप्पलगेट, शेरल क्रो, शायद आप लोगों ने इन सब के नाम सुने होंगे, ये सब मीडिया मूवीज़ के बहुत बड़े नाम है, तो इन सबको में कॉमन चीज़ क्या है? तो जो पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों का आंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये ब्रेस्ट स्तन का कैंसर है, उसके बारे में बात करेंगे, उसको कैसे जल्दी से डिटेक्ट करना है और उसमें क्या क्या हो सकता है, वो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज। तो वुमन को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। जो पहली कैटेगरी है उसका है कि भाई जिसको जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि उनके जो जीन्स में प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है, तो ये वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है कि जिसको खुद को पहले कैंसर हो चुका है ब्रेस्ट का, वो दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी बाकी सब वुमेन। तो दिमाग में ऐसे रखना कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, अगर आप वुमेन हैं तो ऐसे याद रखने का कि भाई मुझे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या पर्सनल हिस्ट्री है कैंसर की, या थर्ड कैटेगरी में कि ऑल अदर वुमेन। तो क्वेश्चन क्या करने की, भाई पहला क्वेश्चन है कि भाई मेरा रिस्क क्या है, कि कैंसर डेवलप होने का रिस्क क्या है। दूसरा है कि भाई मैं कौन सा टेस्ट कराऊँ कि मुझे जल्दी से कैंसर मालूम पड़ जाए। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी उम्र में टेस्टिंग चालू करना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन होता है कि भाई आपको जेनेटिक टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है या नहीं। अन्य और पांचवा क्वेश्चन है कि आपको अगर जेनेटिक में टेस्टिंग में ऐसा आया कि भाई आपको कैंसर होने की संभावना है, तो आपको उसके लिए सर्जरी करानी है ज़रूरी है या फिर दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है जिसकी वजह से आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंजेलिना जॉली है, उसने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए थे क्योंकि उसको जेनेटिक टेस्टिंग में पॉजिटिव आया था। ओके, तो ये दिमाग में रखना है क्योंकि भाई तीन कैटेगरी है और पांच क्वेश्चन है, और रिस्क अपना क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब हम वुमन को कैटेगराइज करते हैं कि भाई एवरेज रिस्क है, मीडियम रिस्क है कि हाई रिस्क है, तो हिस्ट्री में हम चार चीज़ का ध्यान रखते हैं। पहला तो यही है कि उनको फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, वो देखते हैं। फिर पर्सनल हिस्ट्री है कैंसर की, वो पूछते हैं कि पर्सनल हिस्ट्री में ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है, फिर ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, या ट्यूबल कैंसर भी हो सकता है। तीन में से किसी भी कैंसर की हिस्ट्री हो तो वो ध्यान में रखते हैं। और चौथा है कि उनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि नहीं, कि जेनेटिक टेस्टिंग करा है कि नहीं करा है। और चौथा है इम्पोर्टेंट कि 10 साल से 30 साल की उम्र के बीच में अगर चेस्ट पे रेडिएशन थेरेपी ली गई, कई लोगों को बचपन में कैंसर होता है तो वहाँ पे रेडिएशन देते हैं, तो वो है कि नहीं वो हम ध्यान रखते हैं। तो इसके बेस पे वुमन को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो पहले होता है लो रिस्क की, जिसको कोई भी रिस्क, चार में से कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता है, वो लो रिस्क होता है। तो उसको 15% चांस होता है कैंसर होने का। और दूसरा है मीडियम रिस्क होता है, जो इसको फैमिली हिस्ट्री होती है उसको मीडियम रिस्क में भेजते हैं। और तीसरा हाई रिस्क होता है, जिसको पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर होती है, जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, या फिर चेस्ट पे रेडिएशन लिया होता है, तो उसको हाई रिस्क में हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये रिस्क कैटेगराइजेशन बोलते हैं। तो आपके रिस्क फैक्टर क्या है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा खब होते हैं? तो पहली बात है कि डेंस ब्रेस्ट है तो उसको, उस वुमन को ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। डेंस ब्रेस्ट का वो स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें मालूम पड़ता है कि इसमें फैट कम है बट ग्लैंड्स ज़्यादा है, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। दूसरा है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तीसरा है कि अगर आपको एक भी चिल्ड्रन नहीं है, नली पारा बोलते हैं कि जिसको कोई भी बच्चा नहीं है, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। और नेक्स्ट है कि अगर आपको पहला बच्चा 30 साल के बाद हुआ है तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि होने वाला है पर हो सकता है, अगर पहले कभी बायोप्सी कराई है तो भी संभावना होती है कि आपको, बायोप्सी की वजह से नहीं बट वो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो वो होते थोड़े रिस्क फैक्टर। तो कई फैक्टर ऐसे होते कि जो आपका रिस्क को मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? तो बीइंग अ फीमेल इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। या भाई मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओके, ऐसा नहीं है, मेल को भी ब्रेस्ट होती है बट इस रूडिमेंट्री होती है, बट उसमें भी कैंसर हो सकता है, वो बहुत
डेंजर हो सकता है. तो फीमेल जेंडर हैज़ अ हाई रिस्क, प्लस आप वाइट है तो वाइट रेस को कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है. और ओबेस है तो उसमें थोड़ा ट्रिकी है कि मेनोपॉज के पहले अगर आप मोटे हो तो रेस कम होता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद अगर मोटे हो जाते तो उसका रेस ज़्यादा हो जाता है. और नेक्स्ट है कि टॉल, कि भाई लंबा होना बहुत अच्छा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यही एक जगह है जहाँ पर लंबा होने से रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर होने का. और आपके शरीर में ज़्यादा इस्ट्रोजन है तो भी रिस्क बढ़ जाता है, आपकी बोन डेंसिटी ज़्यादा है तो भी रिस्क बढ़ जाता है, और आप लंबे समय तक मेनोपॉज के बाद अगर हार्मोन लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपका रिस्क बढ़ जाता है. और अगर आपको वो मेनार्की बोलते हैं, मीन्स जो आपका जो पहला पीरियड है वो बहुत जल्दी चालू होगा. कई लड़कियों को पीरियड 10-11 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में चालू हो जाता है. जितना जल्दी चालू होता है और जितना जल्दी बंद होता है तो उतना ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है. अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो उसके रिस्क बढ़ जाता है. स्मोकिंग करते हैं, एक्टिव के पैसिव, अगर आप करते हैं किसी और आपके बाजू में करता है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है. और नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो आपका रिस्क उससे ज़्यादा बढ़ जाता है. और ज्योग्राफी, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, अमेरिका और यूरोप में, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. तो और कौन से फैक्टर है जिससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग किया, अगर आपका बच्चा हुआ है और आपने ब्रेस्ट फीडिंग किया हुआ है तो उससे आपका रिस्क कम हो जाता है. तो मेक श्योर कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करें. दूसरा है फिज़िकल एक्टिविटी, कि एक्टिव रहने का, तो उसी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है. और मेडिटेरेनियन डाइट, तो अभी हम क्रोएशिया जाके आए तो वहाँ का जो डाइट है ऑलिव ऑयल में रिच होता है. मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अगर आप फ़िश खाते हैं तो फ़िश इज़ वेरी गुड. और प्लांट फूड होता है वो अच्छा रहता है आपको रिस्क कम करने के लिए. फिर अगर आप सोयाबीन खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है. और मेनोपॉज के बाद सबको कैल्शियम विटामिन डी लेना ही चाहिए, मोस्ट ऑफ द वीमेन को, अनलेस कोई प्रॉब्लम है. तो विटामिन डी और कैल्शियम भी आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करने में मदद करते हैं. और कई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये करने से रिस्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसका भी मैं बात करने वाला हूँ कि एबॉर्शन होने से रिस्क नहीं बढ़ता है. ओके, तो एबॉर्शन ब्रेस्ट कैंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है. कई केमिकल्स होते हैं, DDT है और PCB है, उसकी वजह से कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है. फिर अगर आपने बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन किया है, ट्यूबल लिगेशन, तो उसकी वजह से रिस्क नहीं बढ़ता है. अगर आप ज़्यादा कैफीन पीते तो उसकी वजह से रिस्क नहीं बढ़ता है. ओके, और अगर आपको ब्रेस्ट के इम्प्लांट है कॉस्मेटिक पर्पस की वजह से, तो इम्प्लांट की वजह से रिस्क नहीं बढ़ता है. और कई बार लोगों को ऐसा गलत आइडिया होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट यूज़ करते हैं उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें. ओके, और अब बात करेंगे स्क्रीनिंग के बारे में. तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि कैंसर होने के पहले से ही मालूम पड़ जाना चाहिए. तो अगर एक बार हो गया तो फिर कोई मीन्स उसका ट्रीटमेंट है सर्जरी, रेडिएशन, पर गोल इज़ टू डिटेक्ट बिफोर इट हैपन्स. ओके, तो जो एवरेज रिस्क पर्सन, मोस्ट ऑफ द वुमन एवरेज रिस्क होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो अगर 40 से अंडर है तो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, एवरेज रिस्क पर्सन है तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ. और 40 से 49 के बीच में उनकी उम्र है तो डिस्कशन करना चाहिए कि भाई आपको कराना है नहीं कराना है. तो अल्टीमेटली हम पेशेंट पे छोड़ते हैं कि भाई कराना है तो करा लो, कोई वादा नहीं है. ऐसा डिस्कशन करने का क्यों मैं अभी बता रहा हूँ कि भाई जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके भी कुछ गैर फायदे होते हैं इसके लिए. तो शेयर्ड डिसीजन करते हैं हम 40 से 49 के बीच में एवरेज रिस्क होता है. तो 50 से 75 जो की उम्र होती है तो उसमें तो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करना पड़ता है. मेमोग्राफी मीन्स मेमोग्राम, तो अभी मैं समझाता हूँ. तो ब्रेस्ट का स्पेशल एक्सरे लेते हैं, डीजल भी ले सकते हैं, फिल्म में भी ले सकते हैं. तो उसको एवरी 2 ईयर्स स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है. तो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग 50 से 74 एवरी 2 ईयर्स. और आफ्टर 74 अगर उनकी ज़िंदगी की एक्सपेक्टेंसी 10 साल से ज़्यादा है ऐसा आपको लगता है तो ही कराने का, अदरवाइज 75 साल के बाद मेमोग्राम कराने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. तो क्या क्या कर सकते हैं? कि 3 चीज़ मेनली कर सकते हैं. एक तो मेमोग्राम कर सकते हैं. मेमोग्राम एज मैंने बताया कि वो ब्रेस्ट का पिक्चर रेडियो एक्सरे जैसा ले सकते हैं, स्पेशल एक्सरे, तो उसके मालूम पड़ता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं. दूसरा है MRI कर सकते हैं. सब में MRI करना ज़रूरी नहीं है. वो मॉडरेट रिस्क जो होता है उसमें कराना ज़रूरी हो जाता है, बट एवरेज रिस्क में ज़रूरी नहीं होता है. और आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कर सकते हैं ब्रेस्ट की, सो दैट यू नो. अगर डेंस ब्रेस्ट है तो उसके लिए डिजिटल मेमोग्राम ज़रूरी है, क्योंकि जो रेगुलर मेमोग्राम है वो क्लियरली नहीं आता है.
तो डिफरेंट मोडालिटी है. पहले जब हम पढ़ाई करते थे उस टाइम पे ऐसा था कि डिजिटल सेल्फ एग्ज़ाम की जो वुमन अपना खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डेली करें या फिर डॉक्टर एवरी ईयर करे तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ भी करो मालूम नहीं पड़ता है. तो बेस्ट इज़ टू डू द एक्सरेस, बराबर. और जो मॉडरेट रिस्क वाला है जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, उसके लिए क्या करना चाहिए कि भाई आप मेमोग्राम करो और थोड़ा भी डाउट लगे तो फिर उसके साथ साथ MRI और अल्ट्रासाउंड करो. और जो हाई रिस्क वाले हैं कि जिसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और जिसको पर्सनल हिस्ट्री और जिसको चेस्ट पे रेडिएशन हुआ है, उसके लिए तो दर 6 महीने पे स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है कि एक इस बार किया मेमोग्राम, फिर 6 महीने के बाद MRI, ऐसे एवरी 6 मंथ उनको स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है हाई रिस्क में है. तो ये हो गई स्क्रीनिंग की बात. अब दो स्पेशल सिचुएशन है कि जैसे मैंने बताया कि डेंस ब्रेस्ट अगर किसी की है तो उसको डिजिटल मेमोग्राफी कराना ज़रूरी है, और दूसरा जिसको ब्रेस्ट इम्प्लांट है तो इवन दो इम्प्लांट आ गया तो भी ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ी रहती है वहाँ पे, तो उसको भी ऐसे नॉन ब्रेस्ट की तरह ही उसका इवेल्युएशन करना पड़ता है, हाई रिस्क मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क कैटेगरी की. एवरेज रिस्क में अगर है तो उसके मुताबिक उसका स्क्रीनिंग कराना पड़ता है. तो स्क्रीनिंग के फ़ायदे क्या है? स्क्रीनिंग कराने से अगर कैंसर है तो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट अर्ली होती है. तो ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि अगर टाइम पे डिटेक्ट हो गया, अर्ली स्टेज है, तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं. इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है. तो उसके गैर फायदे क्या है? तो कई बार क्या होता है कि भाई अगर ज़रूरी नहीं है, जैसे कि एज 40-49 के बीच में अगर आपने मेमोग्राम कराते रहे तो ऑब्वियसली रेडिएशन का साइड इफेक्ट होता है, प्लस ओवर डायग्नोसिस हो जाता है कि अगर इतना भी है तो उसको राय का पहाड़ बना देते हैं. और कई बार ऐसा लगता है कि कैंसर है एक्सरे में, लेकिन फिर जब आप पूरी ब्रेस्ट निकाल देते तब तो मालूम पड़ता है कि ओ नहीं, ये तो कैंसर नहीं था. तो यू नो वुमन के लिए दैट इज़ वेरी सेल्फ इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है. तो कई बार ओवर डायग्नोसिस हो जाता है और इट्स वेरी पेनफुल टेस्ट. जब मेमोग्राम कराते हैं तो डिस्कम्फर्ट बहुत होती है, जिसने कराएगा उनको मालूम होगा कि भाई उसमें क्या क्या हो सकता है. अब लास्ट बात है वो जीनेटिक टेस्टिंग की बात है कि जीन्स में म्यूटेशन हो जाते हैं, कि नॉर्मली जीन्स क्या करते हैं कि भी आप कैसे दिखते हैं, आपके कौन से प्रोटीन बनते हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, वो आपका जीन्स डिसाइड करते हैं. जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो आता है, लेकिन जीन्स प्लेस अ मेजर रोल. तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि BRCA1 एंड BRCA2, ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 एंड ब्रेस्ट कैंसर जीन 2, तो ये दो जीन्स होते हैं, उसका म्यूटेशन हो जाता है. तो जैसे अपने बोलते हैं कि रईस बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसा नहीं बोलते, तो वैसे ही उसका पूरा म्यूटेशन हो जाता है. तो फिर जो उसका काम करने का होता है वो नहीं करता है, दूसरा काम करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है. तो जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर जीन का एबनॉर्मल टेस्ट आता है, तो पहले तो आपको जेनेटिक काउंसलर से बात करनी चाहिए, फिर टेस्टिंग कराना चाहिए. और टेस्टिंग कराने के बाद अगर नेगेटिव आया तो आपको चांसेस कि आपको होने ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव आया तो ऐसा नहीं है कि आपको कैंसर होगा ही. लेकिन कई लोगों के क्या होता है कि मेरे टेस्ट पॉजिटिव है, मुझे कोई चांस लेना ही नहीं है, जैसे एंजेलिना जो लेने, तो उसने पूरे दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिए. तो ये भी हो सकता है कि अगर आपको जो ये जीन्स पॉजिटिव आते हैं तो आप कैंसर होने से पहले ही वो ऑर्गन को ही निकाल देते, तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो ओवरी और ब्रेस्ट को निकाल सकते हैं. तो दैट इज़ अ वन थिंग. और कई दवाएं भी अवेलेबल है कि आप ले सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो आपका खुद का डिसीजन रहता है, क्योंकि अभी कैंसर हुआ नहीं है. कैंसर होगा वो भी 100% नहीं है, लेकिन कई लोगों को बोलते हैं कि मुझे कोई चांस लेना ही नहीं है, तो आप कर सकते हैं वो टेस्टिंग कराने के बाद ब्रेस्ट रिमूव कर सकते हैं, ओवरी रिमूव कर सकते हैं. तो वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बारे में था. तो दिस वॉज इन नटशेल कि भाई ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, पूरी दुनिया में फीमेल में नंबर 1 कैंसर किलर है. और गुड थिंग इज़ कि अभी तो इतने सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि उसके वजह से क्योर हो सकते हैं. तो एवरी वुमन आई हाईली रिकमेंड कि भाई आप जैसे मैंने आपको बताया, मैं पूरी पोस्ट में इंग्लिश में लिखूंगा कि मेमोग्राम कब कराना है कब नहीं कराना है. तो डू गेट योर मेमोग्राम डन एंड क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर. ओके, थैंक यू.